आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सिवनी में आज असंगठित मजदूर और तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान पर आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। इस सम्मेलन में दक्षिण और उत्तर वन मंडल सिवनी के अंतर्गत वर्ष 2016 के तेंदूपत्ता के 50,658 संग्राहकों को 9,99,00,000 रूपये की बोनस राशि वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्राहकों को शरण पादुकाएं, पानी की बोतल, साड़ी वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और बोध सिंह भगत के साथ ही जिले की चारों विधानसभा के विधायक भी उपस्थित हैं। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आज सभी विकासखंडों में आजीविका और कौशल विकास दिवस के अवसर पर स्वसहायता समूहों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सम्मेलन में विकासखंडों में कार्यरत स्वसहायता समूह के सदस्य, बैंकों के प्रतिनिधि, ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में आजीविका मिशन और कौशल विकास कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से शुरू किया गया था। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीद 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण भुगतान की तिथि 25 मई तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में ये तिथि 27 अप्रैल 2018 निश्चित की गई थी। कल भोपाल में प्रमुख सचिव सहकारिता ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। रेलों के लिए टिकट खरीदने की यात्री आरक्षण व्यवस्था पीआरएस आज और कल लगभग 3 घंटे के लिए उपलब्ध नहीं होगी। उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे पर यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। कल नई दिल्ली में एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि ये सेवा आज रात 10:30 बजे से रात 12:15 बजे तक और 6 मई को ही बाद में सवेरे 5:15 से 6:25 तक बंद रहेगी। बयान के अनुसार इन मार्गों पर बिजली के रखरखाव के कार्य की वजह से ये व्यवस्था बंद रहेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकासखंड अधिकारी की सीमित विभागीय परीक्षा का संशोधित चयन परिणाम घोषित कर लिया है। चयन परिणाम की विस्तृत सूची साप्ताहिक समाचार पत्र रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में देखी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि विकासखंड अधिकारी के 71 पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा 2016 दिनांक 25 सितम्बर 2016 को आयोजित की गई थी। टीकमगढ़ में वन स्टॉप सेंटर खोला जाएगा। इसमें सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, इलाज एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि सखी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 25 जिलों में वन स्टॉप सेंटर मंजूर किए गए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें जबलपुर संभाग के आयुक्त गुलशन बामरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का आयुक्त बनाया गया है। सागर संभाग के आयुक्त आशुतोष अवस्थी को जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और सिंगरौली जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ धूल भरी तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कुछ जिलों में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय मौसम विभाग ने चंबल संभाग में 8 मई तक आंधी तूफान आने की संभावना जताई थी। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी कराई जा रही है कि आंधी तूफान के आने की स्थिति से पहले ही लोग घरों में पहुंच जाएं। वहीं राजमाता विजयाराजे सिंधिया आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के तकनीकी विशेषज्ञों ने किसानों को चेतावनी दी है कि वे झोपड़ियों, छपरों और पेड़ों तथा हाईटेंशन विद्युत लाइन के नजदीक न रहें। बुरहानपुर जिले में तापमान के बढ़ने से केला की फसल प्रभावित होने के समाचार मिले हैं। जिले में कल तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। झाबुआ में तेज गर्मी पड़ने से जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, जबकि कल प्रदेश का अधिक तापमान 44 डिग्री सेल्सियस खरगोन, शाजापुर और मंडला में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
बुरहानपुर मंडी में चना खरीदी के दौरान चुनाई का चार्ज काटने पर किसानों ने हंगामा किया। मौके पर तहसीलदार और मंडी सचिव के पहुंचने पर मामला शांत कराया गया। शिवपुरी में घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए बनाए गए केन्द्रों में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने 5 नोडल अधिकारियों को निलंबित कर दिया। खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।